मेरे ख्याल से ये एक्शन मूवी इम्पॉसिबल बहुत बढ़िया रहेगी। इसके बारे में बहुत सुना है और सुना है कि इस मूवी की कहानी बहुत बढ़िया है, तो कौन सी देखूं मैं? मुझे एक्शन का भी देखना है डैड, इसमें एक्शन का भी बहुत ज्यादा कलाबाजियां करेगा। मुझे ये मूवी नहीं देखनी है शिनचान, मुझे तो एक्शन मूवी इम्पॉसिबल देखनी है। और मुझे भी। अच्छा चलो यही मूवी देखते हैं, लेकिन ये बताओ तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? आज हमारे पास कोई काम नहीं है इसलिए। टाइम पास करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली तुम लोगों को? अगर मूवी ही देखनी थी तो जाके कोई डीवीडी ले आते अपने लिए। आपने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल सही। बस अब जाओ यहाँ से। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। तो तुम आमागुरी से मुकाबला करोगे? अच्छा तुम हो आमागुरी। तो मूवी शुरू ही कर दी। हमने सोचा था कि हम उनके घर पर मूवी देखेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम उनके घर अब कभी नहीं जाएंगे। अरे ये तो एक डीवीडी की दुकान है। हाँ चलो वहीं से डीवीडी लेते हैं। यहाँ तो अंधेरा है। मुझे लगता है यहाँ की बिजली चली गई। इस दुकान पर तो सारी डीवीडीज एक ही सीरीज की है। सही कहा, ये सारी एक ही सीरीज की है। आपका स्वागत है। ये सीरीज बहुत ही मजेदार है, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मजेदार है? आजकल हमारी स्कीम चल रही है, इसलिए आप ये फ्री में देख सकते हैं। फ्री देख सकते हैं? चलो ले लेते हैं। एक बार देख तो लो। शुरू करी। अच्छा ठीक है, इस मूवी को देखने का मेरा बहुत मन कर रहा है। मेरा भी। अगली दिन डैड क्या हम आज भी एक्शन कामीन देखे? इस मूवी में नया क्या है शिनचान? वो तो इसे देखने के बाद ही पता चल सकता है। बिल्कुल नहीं, आज तो मैं सिर्फ अपनी पसंद की मूवी ही देखूंगा, लेकिन कौन सी मूवी देखूं ये नहीं समझ पा रहा हूं मैं। हाँ? आप ये वाली देख लीजिए, अच्छी मूवी है। अरे हद है, तुम लोग फिर से बिना पूछे अंदर आ गए। चलो जाओ यहाँ से। इस मूवी को आप जरूर देखिएगा जितनी जल्दी हो सके। बिना पूछे घर में आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। ये लोग इतने डरे हुए क्यों थे? ये तो हमेशा ही ऐसे रहते हैं। ये वाली मूवी देखूंगा, मैंने सोच लिया है बेटा। अरे तुमने ये क्या कर रखा है, इतनी गंदगी फैला रखी है, बदबू आ रही है चारों तरफ। सही कहा, बहुत रोना आ रहा है। पर ऐसा क्यों? सुनिए हैरी, फिलहाल अभी टीवी छोड़ दीजिए और हेमा वाली को संभाल लीजिए। आ रही हूँ। अरे आंटी आप यहाँ? मैं आपके लिए ये डीवीडी लाई हूँ, इसमें बहुत अच्छी मूवी है, देखिएगा जरूर। लेकिन मेरे पास देखने का समय नहीं है। तो समय निकालिए और देखिए। कितनी अजीब बात है ना? शिनचान, मसाओ ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। हाय मसाओ, कैसे हो तुम? हेलो। बोलो क्या बात है? क्या तुमने ये डीवीडी देखी है? कसाम और नैनी भी ये डीवीडी देख चुके हैं, उन्हें ये अच्छी लगी। ये तो हमारे पास भी है। क्या तुम देख चुके हो? अभी तक नहीं। तो अभी तक तुमने ये डीवीडी देखी क्यों नहीं है? तो ये लो, इस डीवीडी को जाकर देखो। नहीं चाहिए। अरे वाह, तुम्हें देखने के लिए ये मूवी मिली है। हाँ, क्या इस मूवी को देखें? मुझे कोई जरूरी काम है।
बेटा, हमारी मदद करो। अरे आप तो मेरे असली मॉम डैड लगते हैं। शिनचैन, क्या तुम अपने मॉम डैड की बात नहीं मानोगे बेटा? शिनचैन, आप दोनों टीवी में क्या कर रहे थे? तुमने रिवाइंड का बटन दबा दिया, इसलिए हम वापस आ गए बेटा। क्या हम इसे फिर से ऑन करके देखें? नहीं बेटा, ऐसा मत करना, ये खतरनाक है। तुमने अगर फिर से मूवी शुरू की तो हम फिर टीवी में चले जाएंगे बेटा। क्या दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा? चलिए हम सब बाकी लोगों की मदद करें। तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं हूँ डीवीडी की दुनिया की सरताज, नाम है देव। ये सब क्या है? तुम ऐसे लग तो नहीं रही। देखो मैं डीवीडी हूँ, मैं अपनी दुनिया से तुम्हारी दुनिया पर हमला करने की योजना बना कर आई हूँ। तुम मुझसे बच नहीं सकते। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। मेरी योजना ये है कि मैं डीवीडी की तस्वीरों को असली लोगों की तस्वीरों से बदल कर पूरी दुनिया पर आराम से कब्जा कर लूंगी। ये चश्मा है? अपने हाथों से इनको मत छू, ये खराब हो जाएंगे। चलो हट यहाँ से। बिल्कुल सच है मैम, मुझे आपकी मदद करके बहुत ही
अच्छा लगता है। ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब ये दूसरे कामों में भी मेरी मदद करेगा। मैं ठीक कर रहा हूँ ना? हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक काट रहे हो। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। क्या मैं आपकी थोड़ी और मदद कर दूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर हो सके तो ये सारे पुराने कपड़े काट दो। करोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मैम। ठीक है, तो तुम इस काम को करो और मैं मैसेज बोर्ड आंटी को जाकर दे देती हूँ, ठीक है बेटा? पर कैंची का इस्तेमाल ध्यान से करना बेटा। हाँ ठीक है। मैंने ये रंग कहाँ देखा है? एक्शन का मेन दोस्त का दोस्त, अब मैं बनाऊंगा नया डिजाइन, बढ़िया डिजाइन। समझ में नहीं आ रहा मैं इससे कौन सा डिजाइन बनाऊं। समझ आ गया। पता है कल मैंने दो स्वेटर खरीदे, वो भी 50% डिस्काउंट पर। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। है ना? एक बात बताओ, कल से वहाँ बच्चों के कपड़ों पर भी डिस्काउंट मिलेगा। क्या कहा आपने? अगर तुम मिनी को वो बचाना चाहती हो तो ठीक है। ऐसी फिर ऐसी डिजाइन बन गया। अरे, डैड का लंच
अरे क्या हुआ मॉम, आप इतना चिल्ला के रही है? अरे वो देखो। लेकिन वो है क्या? ये लंच है तुम्हारे डैड के लिए। ये लंच तो बहुत मजेदार लग रहा है। क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? अरे आज मैंने बहुत दिनों के बाद अच्छा लंच बनाया है। आप हर बार यही कहती हैं मॉम। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं मॉम। ये तो रोज का ही काम हो गया। पता नहीं हैरी लंच कैसे भूल जाते हैं। क्या करूं? अब मुझे लंच लेकर हैरी के ऑफिस जाना पड़ेगा। शिनचैन चलो जल्दी से। आप कितनी अच्छी हैं मॉम, डैड को उनका लंच मिल जाएगा। हाँ बेटा, जानते हो उसके बाद मुझे ओकाई के साथ लंच पर जाना है। चलो अब जल्दी करो शिनचैन। जरा रुकिए, एक मिनट रुको, मैं भी आ रही हूँ। ध्यान रखिएगा अपना। हाँ? तो आप अपने घर से अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए हैं? मेरे पास इतनी अच्छी चीजें नहीं है लंच में। आप जल्दी से लंच करके आइए वरना लंच टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ मैं बस जा रही हूँ। अरे लंच नहीं है। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं सी जल्दी में हूँ। इसका मतलब आज मैं लंच नहीं कर पाऊंगा। हैरी फोन नहीं उठा रहे, अब हम क्या करेंगे मॉम? चलो अंदर चलकर देखें। आपका स्वागत है। माफ कीजिएगा, मैं सेल्स डिपार्टमेंट के मिस्टर नोहारा की पत्नी हूँ, उनके लिए लंच लाई हूँ। जरा सुनिए दीदी, क्या आपको लंच में नूडल खाना पसंद है या शिमला मिर्च? शिनचैन मैं उनसे बात कर रही हूँ ना, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं भी काम की ही बात कर रहा हूँ मॉम। क्या हुआ हमारी? इस तरह शोर नहीं करते बेटा, चुप हो जाओ। अरे मिसेस नोहारा, आप यहाँ? अरे आप? हाय अंकल, आप कैसे हैं? अरे नीचे उतर जाओ ना। आपको यहाँ कुछ काम है? मैं इनका लंच लेकर आई हूँ। यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है, कहीं और चलता हूँ मैं। यहाँ भी बहुत भीड़ है, यहाँ पर भी भीड़ है और यहाँ भी भीड़ है। इसका मतलब आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। अच्छा हुआ कि हम लोग ऑफिस से सही समय पर निकल गए। सही कहा, मैं तो आज मटर पनीर खाऊंगी। मुझे भी पनीर बहुत पसंद है। हा? अगर उसमें शिमला मिर्च ना डालो तो वो और टेस्टी लगता है दीदी। माफ कीजिएगा। एक इंसान को लंच खत्म करने में 5 मिनट लगेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 तब तक तो लंच टाइम खत्म हो जाएगा। किसी रेस्टोरेंट में चलता हूँ मैं। सुनिए दीदी, क्या आपने मेरे डैड को कहीं देखा है? वो अपना लंच भूल गए। रुक जाओ शिनचैन। हाँ, यहाँ पर लंच कर लेता हूँ। 980 रुपए में प्लेट। मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं, क्या करूँ अब मैं? जरा मेरी बात तो सुनिए दीदी। रुक जाओ शिनचैन। लंच टाइम खत्म होने वाला है, यहाँ लंच कर सकता हूँ मैं? यहाँ थोड़ा सस्ता है और बैठने की जगह भी लग रही है। अरे नोहारा सर, आप लोग, आप आज लंच नहीं लाए क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो लंच के बाद कॉफी पीने आया था यहाँ पर। आप लोगों ने अब तक लंच नहीं किया है क्या? नहीं, कहीं जगह ही नहीं मिल रही। देखो वहाँ पर एक टेबल खाली हो गई। आप जगह रोक कर रखेंगे प्लीज? अच्छा मैं जगह रोक कर रखता हूँ, आप लोग जाकर ऑर्डर दे दीजिए, जल्दी जाइए जल्दी। आपको परेशानी तो नहीं होगी? चिंता मत कीजिए, मुझे तो कॉफी ही पीनी थी, ऑफिस जाकर पी लूंगा मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मटर पनीर की सब्जी और एक प्लेट राजमा चावल और 4 रोटी। मेरा रोने का दिल कर रहा है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? यहाँ कोई बैठा हुआ है, जाइए यहाँ से। ठीक है, गुस्सा मत कीजिए। क्या करूँ, आज तो मुझे ओकाई के पास पहुँचने में बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी। डैड अपने ऑफिस से कहाँ जा सकते हैं? शायद तो कहीं खाना खाने गए हैं। तुम उन दीदी से क्या बात कर रहे थे शिनचैन, बताओ जरा? मैं तो उन दीदी से यही पूछ रहा था, क्या उन्होंने मेरे डैड को कहीं देखा है? आज लंच के चक्कर में हमें कितनी परेशानी हुई है। मुझे डाइटिंग करने के लिए भी तो लंच होना ही था, लेकिन आज तो मुझे पता नहीं क्यों ज्यादा ही भूख लग रही है।
जल्दी करूंगा। एक लंच दे दीजिए जल्दी से मुझे प्लीज। अरे तुमने अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी की है? ठीक है सर, मैं अभी हटा लेता हूँ, हमें जाना होगा। अरे एक लंच तो दे देते मुझे जरा पहले, अब तो भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे क्या हुआ हिमावारी? इस तरह जिद नहीं करते बेटा। अरे आपको क्या हुआ मिस्टर नोहारा?